Hey guys, welcome back to my mini vlog and long vlog, sare vlog. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So, आज करने वाली हूँ मैं अनबॉक्सिंग आजियो से. बहुत सारे कोरियर है अनिरुद्ध के, तो लेट्स सी. नंबर वन, वैसे ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है यहाँ पे, ये देखिए नंबर वन टी शर्ट. सो अनिरुद्ध की ये टी शर्ट बहुत ही सुंदर टी शर्ट है, देखिए लुक वाइज भी बहुत प्यारी है. देन नंबर वन, और प्राइस की बात करूँ मैं आपको तो ये थोड़ी महंगी है, ये वाली थोड़ी महंगी है. देन बाकी ऐसा नहीं है कि सारी टी शर्ट्स महंगी है, कुछ. नंबर वन गाइज, आपको जिसका भी लिंक चाहिए होगा मुझसे कमेंट करके ज़रूर मांगना. देन सेकंड, लुक एट दिस, हमने मंगाए 2 से 3 ईयर्स, ये डेली रूटीन के हैं और ये है 249 रुपीज़, और वॉश करने के बाद ये ख़राब भी नहीं होंगे. देन तीसरा तो मेरा फेवरेट यार, मेरे साइज को होता तो मैं पहन लेती, आपका क्या कहना है? तो लुक एट दिस एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी. तीसरा एंड चौथा है ये. सो ये 4 टी शर्ट मैंने आपको दिखा लिए हैं. देन हम ये 4 टी शर्ट रखेंगे एलिफेंट के ऊपर. देन हम दिखाएंगे आपको 5 टी शर्ट. नंबर 5, पैकेजिंग भी मैं ही खोल रही हूँ. लुक एट दिस गाइस, सो स्वीट यार, बहुत ही सुंदर. देखिए गर्मियों के लिए तो बिल्कुल बहुत ही तोहफा है. 5 टी शर्ट एंड नंबर 6, मतलब रिपीटेड कोई भी नहीं है, सारे कलर्स देखिए आप अलग अलग हैं, नाइस. नंबर 6 अब निकालेंगे हम. नंबर 7, नंबर 7 गाइस. देन नंबर 8, नंबर 9, नाइस प्रिंट एंड काफ़ी सॉफ्ट है. वॉश करने के बाद आप मशीन में वॉश करो, ना इनके कलर फेड होंगे, ना ये जो प्रिंट बने हैं ये बड़े बड़े प्रिंट्स, ना ये जाएंगे. बट मशीन में वॉश करने से प्रिंट चले जाते हैं कई टी शर्ट्स के, पर इनके नहीं जाएंगे. नंबर 9, सो वेट एंड वॉच. देन नंबर 10, ये वाला अनिरुद्ध ने जो है इन पैकेटों में से पहन भी लिया है. देन इसका मैंने वॉश भी कर लिया है, इसका प्रिंट बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है. नंबर 10 एंड नंबर 11, दिस लुक एट दिस. तो है कम से कम 13-14 टी शर्ट्स. बाकी टी शर्ट जो है अनिरुद्ध ने अभी पहना हुआ भी है एक, वो उसमें वेयर किया हुआ है. देन हमने मंगाए थे कुछ ऐसे पजामे कॉटन वाले, और कुछ ऐसे निकरे भी, ये भी कॉटन वाली है. देखिए इतने कपड़े हैं इसके. अगर आपको इनमें से कोई भी लेना है आप मुझे कमेंट करके इनका लिंक आप मांग सकते हो. A1 क्वालिटी, नॉट अ मतलब कोई एक्सक्यूज ही नहीं लेना है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है. और अगर आपका बच्चा डालेगा तो पूरी आपकी जो है आस पड़ोस देखेंगे और आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये कपड़े कहाँ से मंगाए. ऑब्वियसली ये होता है कि हम मार्केट में जाते हैं और वहाँ से हम जो है बच्चों के कपड़े, या हमें क्वालिटी नहीं मिलती राइट, या हमें पसंद नहीं आते, बट क्या करें हमें लेना पड़ता है. और मार्केट वालों के रेट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये कपड़े जो है अराउंड 3 या 4 हज़ार के बीच में मंगाए. उनमें से पजामे हैं 5-6 निकरे हैं, और ये 10-15 जो है टी शर्ट्स हैं. तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बार बार लेने से अच्छा है कि आप एक ही बार लो राइट. आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो जल्दी से जल्दी जाइए और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले. बाय बाय एंड फॉलो फॉर मोर.